नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है आजमगढ़ से। आजमगढ़ जिले के अंबेडकर पार्क में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना व प्रदर्शन किया और अपनी 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि 62 वर्ष पर आंगनबाड़ी महिलाओं को बिना पेंशन ग्रेच्युटी दिए ही सेवानिवृत्त कर दिया गया। इन्हें अन्य राज्यों की भांति पेंशन व ग्रेच्युटी के साथ सेवानिवृत्त तक लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के आदेश अनुसार हर पाँच साल पर इंक्रीमेंट का प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों से किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का इंक्रीमेंट नहीं किया गया, उनका इंक्रीमेंट किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने घोषणा पत्र का पालन कर 15,000 आंगनबाड़ी कार्यकत्री व मिनी आंगनबाड़ी को 10,000 सहायिका का मानदेय प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि मातृ समिति के खाते में अन्नप्राशन और गोद भराई का पैसा बैंकों द्वारा लो बैलेंस चार्ज के रूप में काट दिया जा रहा है, उसे बंद किया जाए और हॉट कुकर्ड मील सहित प्रधानों का हस्तक्षेप बंद कर समस्त बजट आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के खाते में भेजा जाए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ स्वयं सहायता समूह की संबद्धता के कारण हो रही समस्याओं के निवारण हेतु इनकी संबद्धता का समाप्त किया जाए। ये खास रिपोर्ट थी पद्माकर पाठक की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ। सुमित्रा सिंह, जिला अध्यक्ष आजमगढ़। यहाँ किस लिए आई है? इसलिए महिला दिवस आज है 8 तारीख, इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि सरकार बहुत अनदेखी कर रही है और महिलाओं का बहुत शोषण कर रही है। 62 साल में रिटायरमेंट कर दिए हैं बगैर कुछ दिए, और इस तरह से 62 साल सेवा करके महिला कहाँ जाएंगी। और एक नियम निकाल दिए हैं कि जैसे जैसे 62 साल पूरा होगा सबको निकाल दिया जाएगा। इसलिए हम आज सरकार के विरोध चेताने आए हैं कि वो एक तरफ कहते हैं कि महिला जो है महिला का सम्मान करते हैं, दूसरे तरफ वो महिला का शोषण कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उनसे बहुत नाराज हैं और बहुत दुखित हैं कि ये हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारी आंगनबाड़ी बहने हैं उनके साथ में एक समूह सखी को लगा दिए हैं, उनके खाते में पैसा आ रहा है, उनके साथ में ड्यूटी करना है, जो कि एकदम झगड़ा का विषय बना हुआ है। न तो सही ढंग से काम हो पा रहा है, न सही ढंग से चल पा रहा है। इसका भी हम विरोध करते हैं, खाद्यान्न वितरण का भी हम विरोध करते हैं। और सरकार से हमारी मांग है कि यदि ये नहीं मानते हैं तो फिर ये सरकार बनने वाले नहीं हैं। ये सरकार के हम लोग विरोधी हैं, इनके विरोध में हम लोग का नारा है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष, क्या किस लिए यहाँ आप लोग आए धरना पर? आज हम सारी आंगनबाड़ी पूरे जिले की आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एकत्रित हुए हैं अपने महिलाओं के बारे में जानने के लिए, इस सरकार की व्यवस्था की दुर्व्यवस्था के बारे में। हम लोगों को सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ये जो सहायता समूह वालों को हमारी बहनों का खाद्यान्न दे दिया गया है, वो रिसीविंग वो करती हैं, रजिस्टर हम बनाते हैं, हमारी बहने बनाती हैं, दो दो बार रिसीविंग होता है, कुछ मिलता है खाद्यान्न, कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि वो आंगनबाड़ियों के ही रिसीविंग से उठाया जाए खाद्यान्न? हमारी ये मांग है कि हमारी आंगनबाड़ी बहने उस खाद्यान्न को उठाएं, चूँकि रजिस्टर सब कुछ मेंटेन करना उनका काम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि वो 65 साल के होते हुए मोदी जी वो समाज सेवा का कार्य कर सकते हैं, तो क्या 62 साल और 65 साल की हमारी आंगनबाड़ी बहने जिनको रिटायरमेंट दिया किया जा रहा है,
हम मानदेय पर हैं, मानदेय पर रिटायरमेंट होता नहीं है, तो हमको रिटायर कर रहे हैं। उधर कहते हैं हम लोग कि ये समाज सेविका हैं, इनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जा सकता, तो हमको क्यों नहीं समाज सेविका बनकर बना रहने दें, क्यों नहीं हमको काम करने दे रहे हैं? तब तक हमको, जब तक मेरा हाथ पर काम कर रहा है मेरी बहनों का, तब तक उनको काम करने दें, जांच करवा लें, जो बहन का हाथ पर नहीं काम कर रहा है उनको कुछ पेंशन वेंशन दे करके उसको निकाल दें और हम ड्यूटी करें, जो नहीं काम करने लायक है उनको निकाल दिया जाए, जो काम करने लायक है उनको काम करने दिया जाए। तमाम सारी बातें हैं, हम लोगों को बहुत खेद है कि 2 महीने का मानदेय काट दिया गया। कभी इस बार जुलाई और अगस्त का हम कोरोना काल में ड्यूटी किए, फिर भी हमारा 2 महीने का मानदेय काट दिया गया। क्या हमारी आंगनबाड़ी पूरे प्रदेश का कटा है? क्या इतना धनाशेठ थी योगी जी को और किसी का पैसा काटने का मौका नहीं मिला? क्यों आंगनबाड़ी का